वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघव आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बनाओ ताकि मुझे चेंजेस करने में, मॉडिफिकेशन करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, मैं ये हैंड रेस्ट से चालू करता हूँ। अनहाइड ऑल, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ बॉक्स लेफ्ट व्यू। ये मैंने एक बनाया बॉक्स, ठीक है। आइसोलेट, इतने सेगमेंट्स की मुझे नीड है नहीं, तो इन्हें मैं एक बार हटाता हूँ सेगमेंट्स को। ओके, ये बन गया। इसका फेसिंग मैं वाई एक्सिस में रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये फेसिंग है, ये एज चैम्फर्ड है, ठीक है। तो चैम्फर्ड हम कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम चैम्फर जैसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं इसे चैम्फर करता हूँ, ठीक है, ये चैम्फर तो हो जाता है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ हमेशा मुझे कट्स लूप में मिले, तो इनके लूप्स मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं उस देन यहाँ से यहाँ तक एजेस को अगर लूप लेना चाहूँगा तो वो लूप मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्री वर्टिसेस आ गए, ठीक है। तो इसलिए मैं चैम्फर सबसे लास्ट में कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसमें चैम्फर की नीड लग नहीं रही। फ़िलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखूँगा और शिफ्ट के साथ मैंने इसे कॉपी किया इंस्टेंस, ओके। ये मेरी दूसरी साइड का बन जाएगा, ठीक है। और नीचे का एक बॉक्स बना देता हूँ मैं। शिफ्ट के साथ मैंने नॉर्मल कॉपी की, टॉप व्यू, वर्टिसेस, स्केल, ठीक है। स्केल की जगह मैं स्नैप भी यूज़ कर सकता हूँ, 2.5, मूव ये इस वर्टेक्स तक और ये इस वर्टिसेस तक, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली इतना अपने ही रहेगा। स्नैप ऑफ ये मैंने कर लिया डाउन, ये नीचे का बेस बन गया, ये इतना, ठीक है। हल्का सा अप है, वो अप बाद में होगा जब नीचे ये हम सपोर्ट रख देंगे, ठीक है। ये इंस्टेंस था, हल्का सा हम इसे डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हाइट हम वो देख लेंगे कैसे मैनेज करनी है। हमें बनाने कुशंस, ये गद्दी, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ कॉपी, कॉपी, फ्रंट व्यू, स्नैप ऑन, स्नैप, पर्सपेक्टिव, टॉप व्यू, वर्टिसेस, स्नैप ऑफ, ठीक है। ओके, या फिर एग्जैक्ट बराबर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बीच में कट लगा सकते हैं और इनको डिटैच करके कैट लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बराबर चाहिए तो हमने दोनों पकड़ा, कनेक्ट, 0 0, ये बराबर सेंटर में आ चुका है। फेसेस ये पकड़े हमने, ज्योमेट्री में जाके क्या किया, अरे ज्योमेट्री, इसे कर दिया हमने डिटैच, ओके। अब ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन इनकी बॉर्डर अलग बन जाएगी क्योंकि मैंने डिटैच कर दिया। तो इसे हमने कर दिया कैप। सेम इस ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, हमें कैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी मैं इंस्टेंस, जो ज़्यादा ज़रूरत है वो मेरी इंस्टेंस की है, तो मैं शिफ्ट के साथ कॉपी करूँगा इंस्टेंस। बाकी है तो बराबर साइज़ के, मेरे को 100% श्योर हूँ क्योंकि मैंने इसी से इसको बनाया है, शिफ्ट के साथ कॉपी इंस्टेंस, ओके। ताकि जो मैं वर्किंग इस पर करूँ वो उस पर भी आ जाए, ओके। ये इस टाइप की थोड़ी सी रिंकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। ओके, यहाँ तक हमने किया था, इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इंस्टेंस कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें मैक्सिमम सेगमेंट्स चाहिए अगर हमें इस टाइप की स्मूथनेस एंड रिंकल्स क्रिएट करने हैं तो, ठीक है। तो हम इसके ऊपर असाइन करेंगे सबसे पहले मैश स्मूथ, लेकिन मैश स्मूथ कर देते हैं, ओके। लेकिन मैश स्मूथ में क्या है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को कॉलेप्स कर देगा। ये कॉलेप्स करने का रीज़न इसलिए ये है क्योंकि
जहाँ ये इसके कॉर्नर्स है वहाँ इसे किसी भी तरीके का वो स्मूथिंग रोकने के लिए कोई सेगमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ स्मूथ ऑन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं पॉली में आता हूँ और इन एजेस को पकड़ के एक कट दे देता हूँ कॉर्नर पर, ठीक है। सॉरी, मैंने इस कॉर्नर पे एक कट दे दिया, ठीक है। अब मैं वापस स्मूथ को चेक करूँ तो दिख रहा है इस एक्सिस की तो स्मूथनेस इस एक कट ने रोक ली, लेकिन बाकी एक्सिस पर वो नहीं रोक पाया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है वो सेगमेंट्स की कमी है। तो एडिट पॉली पर हम एक और मॉडिफायर दे सकते हैं, अब क्वाडिफाई, ठीक है, एक और दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाडिफाई। अब क्वाडिफाई हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये शेप बनानी है, क्योंकि इसमें स्मूथनेस सिर्फ यही नहीं रोकनी, मुझे इन रिंकल्स के पास भी स्मूथनेस को रोकना है, कंट्रोल करना है, कंप्लीट फेस पर मुझे को सेगमेंट्स चाहिए इस टाइप की शेप्स बनाने के लिए, इसलिए मैं क्वाडिफाई दूंगा। अदरवाइज मैं कट्स लगा लेता गिनती के 4-5 और उससे भी मेरा काम हो सकता था। जैसे ये मैंने लिए कनेक्ट 2 एंड डिस्टेंस लिया, ओके मैंने ये लिए कनेक्ट, ओके और ये लिए कनेक्ट, ओके स्मूथ ऑन, मेरा काम हो गया। लेकिन इस काम से मैं बीच में रिंकल्स नहीं बनेंगे क्योंकि बीच में किसी भी तरीके के कोई सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये ना करके हम क्या करेंगे, स्मूथनेस ऑफ, इस पे हम देंगे क्वाडिफाई मैश मॉडिफाई। जैसे हमने दिया क्वाडिफाई मैश, इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स आ गए, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्मूथ, ठीक है, अच्छा आउटपुट आ रहा है। क्वाडिफाई मैश में बेसिकली हम बढ़ा सकते हो सेगमेंट्स, मैं जितनी कम साइज करूँगा अपने क्वाड की, ये मेरे क्वाड्स हैं, इनकी साइज जितनी कम करूँगा सेगमेंट्स उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं साइज जैसे ही बढ़ा दूंगा सेगमेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्टिसेस, ओके, उसके ऊपर स्मूथ, ओके इमेज। अब इसमें मेरे को रिंकल्स बनाने हैं, तो रिंकल्स बनाने के लिए वर्टिसेस मैंने सेलेक्ट किए एंड रिजल्ट ऑन, ठीक है। एंड रिजल्ट से बढ़िया है स्मूथ के ऊपर आप वापस से एक बार एडिट पॉली डाल दीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ आते हैं यहाँ सेगमेंट्स की वो कमी हो जाती है वापस से, क्योंकि लास्ट मैक्सिमम सेगमेंट तो आपके स्मूथ से बन गया। तो यहाँ आकर आप वापस एक बार इसमें एडिट पॉली डाल दीजिए तो आपको एक्चुअल वर्टिसेस की पोजीशन दिख जाएगी कि आपको एक्चुअल में इतने सारे वर्टिसेस मिलेंगे, ठीक है, ओके। स्नैप ऑफ, नीचे हमें जाना है पेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। पेंट डिफॉर्मेशन में गए, यहाँ हमें पुश एंड पुल की वैल्यू मिलती है और यहाँ मेरे पास ब्रश साइज और वैल्यू मिलती है, ठीक है। ब्रश साइज कितना है, ओके, मैं एक बार ब्रश चलाता हूँ, ओके इस पर निकल बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है 10 इंचेस, मेरे को चाहिए मैक्सिमम 1 इंच के बल्ज क्रिएट हो, उससे ज़्यादा रिंकल्स क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मेरे को लगता है मैं उस तरीके से रिंकल्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तो सोचो थोड़ा सा मैं और कम कर सकता हूँ अगर मुझे ओवरऑल कोई एक नॉर्मल इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, ओके ऑफ, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, दोनों सिमेट्री हो गई, सिमेट्री नहीं हो सकती कहीं पे भी, तो इसे पकड़ के हमें क्या कर देना है, मेक यूनिक, देन इस पर थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर दो, सॉरी वर्टिसेस सेलेक्ट पेंट डिफॉर्मेशन शैंपुल हल्के से वेरिएशन इसमें क्रिएट कर लो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पुल किया है क्योंकि प्लस में वैल्यू है, मैं इसे ऑल्ट के साथ करूँगा तो ये पुश हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ तो देखते हैं कहाँ कहाँ पुश होता है, इधर पुल पुश हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा ये अंदर की तरफ पुल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, जहाँ मैंने वापस से पुश किया वो कम हो गया, जहाँ मैंने
पुश नहीं किया तो वो पुल किया, ठीक है। तो दोनों में वेरिएशंस हो गए। ऑल्ट प्रेस करना है बस, पुश के लिए हो जाएगा, और अगर ऑल्ट छोड़ दोगे तो पुल हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गए, मैं थोड़े से वापस से पुल कर देता हूँ बगैर ऑल्ट के, कुछ एक बड़ी बड़ी लाइन है। ओके ठीक, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं, और 0.8 inches, सॉरी पुश पुल, सॉरी पुश, ठीक है। ओके काफी ठीक लग रहा है, थोड़ा नेचुरल, ठीक है। नीचे भी होना चाहिए था, ऑब्वियसली रिंकल्स है, तो सेम चीज लिया, क्वालिफाई मैश 4 या 2 जो भी ठीक लग रहा हो उसके ऊपर मैश स्मूथ, ठीक है। 2 एडिट पॉली वर्टिसेस पेंट डिफॉर्मेशन पुश पुल 1 inch का ले लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, इनमें किसी तरह के रिंकल्स नहीं है, एकदम शार्प है, तो इस पर रिंकल की ज़रूरत नहीं। पीछे कुशंस में मेरे को नीड है, ठीक है, तो पीछे कुशंस भी हम बना लेते हैं। मैं अभी वापस से ना बनाकर क्या कर रहा हूँ, इसी को ऊपर की तरफ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट के साथ कॉपी, इंस्टेंस नहीं करूँगा, नॉर्मल कॉपी, ठीक है। मूव बैक पर, ठीक है। हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, मैश स्मूथ के बाद मैं FFD2 दे देता हूँ और हाइट इसकी कर देता हूँ डाउन, सॉरी ऊपर दे देता हूँ, नहीं कुछ गलत हो गया। ये है FFD2 वर्टिसेस डाउन, ठीक है। कुशंस हल्के से बाहर रहेंगे, ठीक है, हल्के से बाहर। ओके अब कुशंस में क्या है कि स्मूथनेस इतनी नहीं चाहिए थी, तो क्वालिफाई जितने मैंने दिए 2 की जगह मैं दे देता हूँ 10, काफ़ी बिगड़ जाएगा। पेंट डिफॉर्मेशन हटा देते हैं, ठीक है। क्वालिफाई 15, ठीक है, काफ़ी स्मूथ हो गया, 15 से भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ 20, ठीक है। मैश स्मूथ, और इसके ऊपर अब हमने दे दिया एडिट पॉली वर्टिसेस, ठीक है। पेंट डिफॉर्मेशन इस FFD के ऊपर देते हैं, तो पॉली सॉरी पॉली को भी हम देंगे अपने FFD के ऊपर ही, ठीक है। वर्टिसेस पेंट डिफॉर्मेशन पुश एंड पुल 3 inches, ठीक है। पर मेरे को सेगमेंट्स अब ज़्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहे, सेगमेंट्स इसमें मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो ऊपर दे दो आप और क्वालिफाई मैश 2 और मैश स्मूथ, पेन डिफॉर्मेशन हटाओ उसको, ठीक है। सेगमेंट रूल बढ़ गए, पर अभी ये कट सही नहीं लग रहे, तो बेटर यही था कि मैं नया बना ही लेता, इतनी मेहनत मुझे इसमें करनी पड़ रही है, इससे बेटर है कि मैं बना ही लेता, ठीक है। बना लेते हैं, चैम्फर बॉक्स ले लेते हैं, एक्सटेंडेड चैम्फर बॉक्स, ओके वर्टिसेस बिल्ट मैक्सिमम, ठीक है। मोर मेरे को क्या पता है 8 से 56 हो गए ना, ठीक है। 45 मैश 2
नंबर से पेज इंसर्ट हो जाता है। एडिट पॉली वर्टिसेस, मैं शिफ्ट के साथ पहले कॉपी कर देता हूँ इंस्टेंस, ताकि मुझे आउटपुट वहाँ साइड में दिखता रहे, है ना। एक पे मैं काम करूँ, दूसरे पे मुझे आउटपुट का एटलीस्ट दिखता रहे। शिफ्ट दबा के काम किया। पेन डिफॉर्मेशन पुश पुल, मैंने ले लिए 3 इंचेस के पुश। ओ बहुत ज़्यादा है, 1 इंचेस सफिशिएंट है। और इससे करूंगा तो अंदर की तरफ पुश हो जाएगा। और तूने वो जो राज वाले थे वो काटे क्या? ठीक है, क्या कर रहा था? ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसमें बना सकते हैं, जहां तक मेरे को जो चीज ठीक लगे वो सारी चीजें अपन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये टूल है जिससे हम कुशन सुशन इन सारी चीजों पर अच्छे से काम कर सकते हैं। जितना चाहो उतना कर लो। ठीक है, अब कोई चीज ज्यादा हो गई तो आप इसे रिलैक्स भी कर सकते हो, ये सॉफ्ट। ठीक है, हमें लगता है नहीं यार कुछ ज्यादा ही कर लिया, इतने रिंकल्स प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, तो इसे हमने कर लिया रिलैक्स। ठीक है, इस पर रिलैक्स मैंने इतने ही रखे। ओके, और इसे कर लिया मेक यूनिक, और इस पर मैंने रिलैक्स किया थोड़ा ज़्यादा, रिलैक्स स्ट्रेंथ 2 कर लेते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स। ओह कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसे 1 ही रहने देते हैं। रिलैक्स साइज 3 कर लेते हैं। दिखा फर्क थोड़ा और ले लेते हैं, हमें फर्क दिखा नहीं, साइज भी है ही। आगे पीछे की दिक्कत हो रही है, राइट क्लिक शेडेड सेलेक्टेड फेस। ओके, फेसेस होगा वर्टिसेस, एज एंड फेस, वर्टिसेस तो दिखेगी दिखेगी। ठीक है, इसे वो स्मूथ रिलैक्स। ठीक है, इसे हमें बाहर की तरफ निकालना है, तो जो हमने कुशन में किया था एफएफ बिफोर, हम उसे यूज कर सकते हैं। 4 ज़्यादा हमें कंट्रोल पॉइंट्स मिल जाते हैं, इसलिए 2 में हमें कम मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे पीछे देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो मैं करता हूँ। एक काम मैंने डबल साइडेड कर दिया, सेम ऐसे अभी भी ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसे और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, हमने पकड़ा कलर के। ठीक है, पीछे का सपोर्ट चाहिए हमें, पीछे का सपोर्ट बन जाएगा, इसे हमें स्मूथ चाहिए, एज हमने पकड़ी, चैम्फर, ओके, हमने दिया क्वालिफाई मैश, उसके बाद हमने इसमें दे दिया मैश स्मूथ। ठीक है, क्लियर। पीछे एक बॉक्स बन जाएगा जो मेन सपोर्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉर्नर फ्लिट नहीं है, नॉर्मली है, नॉर्मल बॉक्स बना लेते हैं। टॉप स्नैप ऑफ ग्रेड ऑफ यहाँ से यहाँ तक का पर्सपेक्टिव स्केल एरिया, क्वालिफाई मैश, मैश स्मूथ। ओके, मटेरियल नहीं हमने दिया था इस बार, वायर कलर ही दिया था। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अपन इसे इजीली बना सकते हैं।
अभी मॉडलिंग में इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है, आर्किटेक्चरिंग में इतने टूल्स लगभग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, हर चीज़ बना लेंगे। अब एक रहता है हम वास वगैरह बनाना चाहें तो उसके लिए हम लेथ यूज़ करते हैं, वो कर लेते हैं अगले क्लास। तो सिंपली स्पैन लेके उसको एक्सट्रूड करते हैं।